This video is only for educational purpose. We not promote any illegal activities. Please make sure before analyzing application that you have the approval of the owner and author of the applications you analyzing. Hacking is a crime. Me and YouTube are not responsible for the way. दोस्तों चैनल में अगर आप नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दबा दो, साइड में जब आपका बेल घंटे दिखाए उसके जरूर से बजा दो ताकि आपको वीडियो डालते ही पहले मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप शाम के Redmi Note 7 Pro को यूज़ करते हो और उसमें आप अपने फ़ोन में बहुत ही सारे गेम्स खेलते हो, पबजी वगैरह जो गेम्स है, हाई ग्राफिक्स गेम है, वो सभी खेलते हो, तो आपके लिए कमाल की गुड न्यूज़, क्योंकि फिर जब शाओमी के Redmi Note 7 Pro को मिलने वाला है गेमिंग टर्बो मोड। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया में Redmi डिवाइसेस में पहली बार किसी डिवाइसेस को मिलने वाला है गेमिंग टर्बो मोड। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये गेमिंग टर्बो मोड है क्या और कैसे आपको ये देखने को मिलेगा, पूरा एक डिटेल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं Redmi Note 7 Pro रिलेटेड। तो यहाँ पे जोर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और यहाँ पे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए, मैं पवित्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टारमार्क। तो फिर चलिए बिना उतवाए शुरू करता हमारी वीडियो। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro में मिलने वाला है गेमिंग टर्बो मोड। तो बेसिकली अगर आप नहीं जानते ये गेमिंग टर्बो मोड है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो ये गेमिंग टर्बो मोड है बेसिकली ये फ्रेंड्स जो हमारे फ़ोन के जो GPU है और जो CPU है, इसमें फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। ये दोनों ऑप्टिमाइज होने का मतलब क्या है, मतलब यही है फ्रेंड्स, हम जो अपने फ़ोन में जो ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद हम गेम खेलते हैं। सारे दिन में तो हम पूरा दिन ही गेम नहीं खेलते, दिन भर ऐप्स यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पे ये जो GPU है और ये जो CPU ऑप्टिमाइज इस तरीके से होता है कि आपके जो बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे उन सभी को फोर्स क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे उन सभी को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है एंड आपके फ़ोन को कूलिंग कर दिया जाता है ताकि आपके फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो। और इसमें आपका जो गेम है ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के साथ आपको देखने को मिले। बेसिकली ये जो फ्रेंड्स ये गेमिंग टर्बो मोड है, इसमें CPU एंड GPU बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे Redmi Note 7 Pro को जब ये अपडेट देखने को मिलेगा, तब इसमें आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिला, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर CPU GPU का ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स बेसिकली इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन तो देखने को मिलेगा ताकि आप एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस को रियलाइज कर सके, हाई परफॉर्मेंस के साथ आप ये गेम खेल सके, जो भी आप खेलना गेम चाहते हो अपने इस मोड को ऑन करके। पहले तो आपको इसमें जो गेमिंग टर्बो मोड होगा इसमें आपको अपना गेम को इन करना होगा, यानी कि रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ कर देने के बाद आप जब अपना गेम खेलोगे तो ऊपर में आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक लाइन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद या फिर स्वाइप करने के बाद आपको इस टाइप का बार देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आपको बार में ऊपर में देखेंगे ये CPU GPU करके लिखा आ रहा है और यहाँ पे आपको फेसबुक, व्हाट्सएप का और या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग का भी शॉर्टकट थोड़ा देखने को मिल जाएगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट और यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग और भी कई तरीके की शॉर्टकट फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो गेमिंग टर्बो बूस्ट है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको ये अपने फ़ोन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे CPU एंड GPU को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली यही है जो आपको मिलने वाला है। आपको मैंने पूरा दिखा दिया कि बेसिकली ऐसा होता क्या है, आपको कैसा अपने Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो चीज़ है तो ये पहले चाइना में आएगा, चाइना में ये लीक हो चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना में लीक हो चुका है कि Redmi Note 7 Pro में अभी आने वाला है गेमिंग टर्बो मोड और उसके बाद आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली चाइना में आ रहा है तो इंडिया में ज़रूर आएगा, अभी तक के लिए कमिंग सून है, और जब ये आ जाएगा तो मैं आपको हमारे चैनल में ज़रूर बता दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े से झक्का न्यूज़ है, आपको ये कैसा लगा जो मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। तो चलिए मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो।